फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं स्वाति एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट का रिव्यू। ये है मेरा फिलिप्स का वीवा स्टैंड मिक्सर। बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। ये 2-in-1 प्रोडक्ट है जिसमें आप स्टैंड मिक्सर और हैंड मिक्सर को अलग अलग भी यूज कर सकते हैं और एक साथ भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपको एक इजेक्ट बटन मिलता है जिससे आप रॉड्स को इजेक्ट कर सकते हैं। 3 लीटर्स का आपको एक बड़ा सा बोल मिलता है। ये देखिए आपका स्टैंड मिक्सर है और इसको अगर आप स्टैंड से हटा दें तो ये आपका हैंड मिक्सर बन जाता है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करना हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इसे फ्रेंड्स लिया है अपनी लोकल मार्केट से, बट ये Amazon और Flipkart पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। बट अभी ये आउट ऑफ स्टॉक था तो मैंने इसे अपनी लोकल मार्केट से लिया है। इसका प्राइस अराउंड 4500 से 5000 के बीच वेरी करता है। मुझे ये डिस्काउंट के बाद 4800 का पड़ा है। इसमें इनका एक मेन यूनिट आता है बॉक्स में, एक स्पैचुला आता है, साथ में एक वारंटी कार्ड और मैनुअल आता है। यूजर मैनुअल फ्रेंड्स आपका किसी यूज का नहीं है क्योंकि उसमें सब कुछ चाइनीज में लिखा है और हमें कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। ये स्पैचुला इनका एक अच्छी क्वालिटी का है, इसको आप स्क्रैप करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये यूजर मैनुअल है जो मैंने आपको बताया, ये पूरा चाइनीज में है। और ये आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है। अगर आप Amazon या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से लेंगे तो आपको जो बिल मिलता है वही आपका वारंटी कार्ड होता है। इसमें ये 2 सेट्स ऑफ आपको रॉड्स या मिक्सिंग रॉड्स मिलती हैं। एक 2 नीडर है और दूसरा कि आपका मिक्स करने के लिए या व्हिप करने के लिए है। अब अगर हम मेन मशीन की बात करें तो यहाँ पे हमारे ये मिक्सर है और ये हमारा स्टैंड करने के लिए इसको स्टैंड मिक्सर कह सकते हैं आप इसे। इसका वायर एक अच्छी लेंथ का है फ्रेंड्स, 1.5 मीटर्स की इसकी शायद लेंथ होगी अप्रोक्सीमेटली। ये फिलिप्स का 400 वॉट का बीटर है फ्रेंड्स, तो इसका जो पावर है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है जिससे कि आप इसका जो हैंडल है उसे नीचे कर सकते हैं और अपना जो ये मिक्सर है, हैंड मिक्सर, उसको माउंट कर सकते हैं उस पर। इसमें आपको आप ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा होल है और एक बड़ा होल है फ्रेंड्स। उसका एक मीनिंग है क्योंकि जो रॉड्स हैं उनमें एक साइड प्लास्टिक नहीं है, वो आपका छोटे रॉड में जाते हैं, छोटे होल में, और जिसमें प्लास्टिक है वो आपका ब्रॉड वाले होल में जाता है। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स मुझे कंफ्यूजन हो गया था कि शायद मुझे गलत प्रोडक्ट मिल गया या ब्रोकन प्रोडक्ट मिल गया और मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इनकी रॉड्स ऐसी होती हैं, सो डोंट पैनिक इफ यू डोंट सी वन साइड प्लास्टिक। इसमें आपको इजेक्ट बटन मिलता है जिससे आप बहुत आसानी से अपनी रॉड्स को इजेक्ट कर सकते हैं। इसे माउंट करने के लिए आपको इसको फ्रंट वाले उसमें पहले माउंट करना है, बाद में इसका जो बैक पार्ट होता है उस पर इसको फिक्स कर देना है। रॉड्स को फिक्स करने के लिए बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, यू जस्ट हैव टू पुश देम इनसाइड। इसमें आपको 3 स्पीड्स मिलती हैं, 1, 2 एंड 3। और यहाँ पे आपको एक सुपर फास्ट स्पीड के लिए बूस्ट बटन जो कि आपको नॉर्मल मिक्सर्स में होता है वो भी मिलता है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो बहुत हाई स्पीड मिलती है इसको, आप 1 पे भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। जो इसकी यूनिक क्वालिटी है कि इसका जो बोल है वो भी आराम से आपका सर्कुलेट करता है। तो चलिए मैं आपको इसमें घर की मलाई से घी निकालने का प्रोसेस दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 बोल मलाई ली है जिसे अब हम इसमें से व्हिप करेंगे। नॉर्मली घर पे मलाई से घी निकालने में फ्रेंड्स हमें बहुत टाइम लग जाता है जब हम बटर निकालते हैं मलाई से, बट इस मशीन से बहुत ही आसानी से अगर आप इसे 2 की स्पीड पर 4 मिनट्स के लिए रखेंगे तो ये देखिए आफ्टर 2 मिनट्स ही हमारा ये बटर निकलना स्टार्ट हो गया है और अराउंड 4 मिनट्स के बाद आपका बटर एकदम अलग हो जाएगा। और बस 4 मिनट्स में आपका देखिए बटर अलग हो गया है। अब आप इससे चाहें तो आप घी निकाल सकते हैं, आप इसमें चाहें तो आप क्रीम को व्हिप कर सकते हैं, केक का बैटर बना सकते हैं, या किसी भी प्रकार का कोई डो होता है वो आप इसमें बना सकते हैं। मैंने इसमें से ब्राउनीज, केक्स, व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करना, ये सब करके देखा है फ्रेंड्स, मैंने सब कुछ ट्राई किया और दिस मशीन वर्क्स अमेजिंगली। तो मैं अगर इसको रेट करना चाहूँ तो मैं इसे 5 में से 4.5 मार्क्स दूंगी। इसमें सभी कुछ बहुत अच्छा है। अगर आप नेगेटिव कहेंगे तो बस मुझे यही लगा कि इसकी जो कॉर्ड है वो थोड़ी सी छोटी है, ये चाहते तो थोड़ा और लंबी कॉर्ड देते ताकि आप इसको कहीं भी रख करके यूज कर सके। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा आज का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा रिव्यू थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज। Stay happy, stay healthy. Bye bye, take care.